फाइनली लॉन्च हो चुका है IQ Neo 9 Pro और इसका जो कलर है मतलब काफी प्यारा कलर है। जो भी रिव्यू यूनिट वगैरह बहुत सारा मैंने भी वीडियो देखा, आपने भी देख लिया होगा ऑलरेडी, मतलब कलर जो है ना वेगन लेदर में है प्लस ड्यूअल वेगन लेदर है और दो अलग कलर का कॉम्बिनेशन देखने में काफी सही लग रहा है। मतलब मान के चलो आप ये फर्स्ट एक स्मार्टफोन है जो ऐसा ड्यूअल कलर में आ रहा है, वो भी वर्टिकल एक कलर अलग एक वर्टिकल अलग कलर अलग। मतलब इसका जो कलर का नाम है उसका नाम दिया गया है फेरी रेड, जबकि रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी का कुछ स्पेसिफिकेशन जानने वाले हैं, साथ ही साथ इसका हम लोग प्राइस वगैरह भी डिस्कशन करने वाले हैं और ये ऑलरेडी ये लॉन्च हो चुका है, सेल भी स्टार्ट हो चुका है, इसको आप परचेज भी कर सकते हो अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे जाके। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आ चुका हूं IQ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर, यहां पर देख पा रहे आप IQ Neo 9 Pro डुअल चिप पावर और सबसे पहला यहां पर अलग अलग चीजों के बारे में हम लोग स्पेसिफिकेशन जानने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर मैं जाता है डुअल कोर परफॉर्मेंस फ्लैगशिप, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। पर एक स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 का दिखाने मिल जाता है और एक IQ का सुपर म्यूटिंग चिप, ये दोनों चीज आपको इसमें देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा परफॉर्मेंस मॉन्स्टर लिख रही है यहीं पर वेबसाइट में। मतलब परफॉर्मेंस सोच सकते हो आप कितनी शानदार परफॉर्मेंस ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसका डिजाइन के ऊपर जो कि एक्सेप्शनल डिजाइन करके आ रहा है कुछ। इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर देख पा रहे हैं अलग अलग टाइप का डिजाइन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा जो कि दो कलर और एक कलर में अवेलेबल है, जो कि फेरी रेड मैंने कहा और एक कलर ये कलर है जो देख पा रहे सामने। इस कलर का भी मैं नाम बता रहा हूँ आपका, कंक्यूरर ब्लैक कलर है ये वाला और ये भी देखने में काफी ज्यादा सही लग रही है। बट हाँ, पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो ये वाला कलर काफी ज्यादा सही है जो डुअल वेगन लेदर फिनिश में आ रही है। देख पा रहे हैं कितना प्यारा लुक दे रहा है, मतलब कैमरा का जो पोजीशन है वो भी प्लस जो फ्लैश का पोजीशन है वो भी और ये रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, मतलब क्या ही बताया जाए। और ये एक कलर है जो कि कंक्यूरर ब्लैक कलर, बट ये आई होप ज्यादा नहीं सेल होगा, ज्यादा सब कोई इसी कलर को लेने के लिए प्रीफरेबल रहेंगे, बट आप देख लो आपके हिसाब से जो कलर बेस्ट है। नेक्स्ट बात करें हम लोग अगर कैमरा के बारे में, इसका कैमरा सेटअप भी कुछ यूनिक देखने मिलेगा। पर इस टाइप का डुअल कैमरा आपको मिल जाता है और अगर हम लोग कैमरा की बात करें तो आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का नाइट विजन कैमरा जो की F1.88 एपर्चर के साथ आता है, जो कि यहाँ लिखा है वीवो कैमरा बायोनिक स्पेक्ट्रम। इसके साथ ही आपको OIS मिल जाता है, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईन भी देखने को मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो की 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, नीचे वाला देख पा रहे पूरे की पूरे अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और ये है कुछ इसका फोटोज का क्वालिटी, नाइट विजन कैमरा है तो नाइट में काफी सही फोटोज देखने को मिल जाता है और ये नाइट में 4K नाइट वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है। और ये है लैंडस्केप मून मोड, मतलब अलग अलग बहुत सारे कैमरा का मोड्स दिया है, अलग अलग टाइप का आप फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो इसके हिसाब से और काफी शानदार फोटोज आती है। इसमें आपको 14 एंड्रॉइड 14 मिल जाता है फ्रंट टच OS के साथ एंड यहाँ पर आपको जो टैब वाली फील है वो भी फील हो जाता है। स्प्लिट स्क्रीन एंड स्मॉल विंडो ओवरलेइंग ऑप्शन मिल जाता है, मतलब स्प्लिट स्क्रीन दो स्क्रीन स्प्लिट होगा जो कि सिंपल ही बात है बहुत सारे स्मार्टफोन में, मेरे स्मार्टफोन में भी है प्लस आजकल जितने भी स्मार्टफोन है सारे में स्प्लिट स्क्रीन सपोर्टेबल है। बट हाँ, स्प्लिट स्क्रीन के साथ साथ ये आपको विंडोज ओवरलेइंग का ऑप्शन ही मिल जाता है, मतलब देख पा रही इस टाइप का कुछ आएगा दो स्क्रीन रहेगा उसके साथ ही आप कुछ ओवरले मतलब इसमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी कर सकते हो, ये आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही बात करें हम लोग अगर इसका बैटरी के बारे में तो आपको 5160 mAh का बैटरी देखने मिल जाता है जो कि 120W फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है एंड इसके साथ ही आप देख पा रहे चार्ज टू 50% इन 11 मिनट। अब बात करें इसमें हम लोग डिस्प्ले के बारे में तो देख पा रहे इस टाइप का कुछ डिस्प्ले होता है। ड्यूरिंग फास्ट प्रेसेज स्टेबल गेन अपर हैंड ड्यूरिंग गेमिंग, मतलब काफी इसका जो डिजाइन किया गया है गेमिंग को ध्यान में रखकर किया गया, ज्यादा बड़ी स्मार्टफोन भी नहीं है, मतलब इन हैंड फील काफी ज्यादा सही है। 144Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने में मिलता है जब आप गेमिंग वगैरह करते हो। और अगर स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.7 इंच का आपको स्क्रीन साइज देखने मिलता है 1.5K रेजोल्यूशन के साथ, साथ ही इसमें आपको 3000 nits की ब्राइटनेस देखने मिल जाता है एंड इसके साथ ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है, अगर आप चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक देख पर वेबसाइट पे मेंशन किया गया है वेट टच टेक्नोलॉजी, मान के चलो अगर आपका स्क्रीन वेट हो जाता है तो आप कुछ भी काम करते हो तो क्या होगा ना उल्टा काम होता है, जैसे मान लो आप गैलरी ओपन करो उसका जो कुछ अपने आप ओपन हो जाता है, दूसरा कुछ होते रहता है अगर स्क्रीन पे पानी आता है तो। बट हाँ, इसमें वही फीचर इसमें आपको दिया गया है अगर इसका स्क्रीन आपका भींगा हुआ भी रह गया तो भींगा आपसे भी आप छू रहे हो स्क्रीन को तो भी जो काम आप कर रहे हो वही काम होगा, अलग अलग इधर उधर कुछ भी काम नहीं होगा, जो कि काफी ज्यादा सही है। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बार बार होता है, मान के चलो जस्ट खाना खाकर हाथ धो के बाद अगर तुरंत मोबाइल चलाना है तो फिर क्या होता है हाथ भींगा हो रहा था, इस कारण मोबाइल अच्छे से नहीं चल पाता, जब तक हाथ सूखेगा नहीं तो मोबाइल की स्क्रीन जो वेट हो जाती है वो सूखेगा तब तक प्रॉब्लम होती है। बट हाँ, इसमें वो चीज नहीं दिया गया, इसमें अगर स्क्रीन भींगा रहेगा फिर भी आप आसानी से यूज कर सकते हो। इसका जो डिस्प्ले इसमें आपको आई केयर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसमें कि आपको बायोनिक ब्राइटनेस एडजस्टमेंट का ऑप्शन शो हो जाता है जिससे काफी ज्यादा सही रहता है, मतलब दिन के टाइम जितना आपको आंख में रोशनी जाना चाहिए उसी हिसाब से रोशनी प्रोवाइड करती है और रात के टाइम जितना जाना चाहिए उस हिसाब से आपको प्रोवाइड कर देता है, मतलब अलग से आपको आई प्रोटेक्शन ऑन करना नहीं पड़ता, डिस्प्ले में पहले से ये
अवेलेबल रहता है। सो ये इसका ओवरऑल कुछ स्पेसिफिकेशन। बाकी जिनके पास रिव्यू यूनिट आया ऑलरेडी आपने उनका वीडियो देख लिया होगा, बट हाँ मुझे भी लगा कि इसका सब कुछ कुछ जो मेजर चेंजेस है मैं आपको बता दूं, प्लस जो जो चीज मुझे अच्छा लगा सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अब रहा बात इसका प्राइस की, बात करते हैं हम लोग कितने कितने वेरिएंट में आता है, प्लस क्या क्या प्राइस अभी चल रहा है। सो यहाँ पर IQ Neo 9 Pro का जो है वो तीन वेरिएंट में अवेलेबल है इंडिया में, जो कि पहला वेरिएंट हो गया 8128, और अगर इसका प्राइस की बात करें हम लोग आपको 35,999 रुपए का पड़ जाता है। सेकंड वेरिएंट आ जाता है 8GB रैम 256GB स्टोरेज, जिसका अगर प्राइस की बात करें तो ये 37,999 का प्राइस में आ जाता है। एंड जो थर्ड वेरिएंट है वो 12GB रैम 256GB स्टोरेज 39,999 रुपए में देखने को मिल जाता है। बट हाँ एज अ प्राइस अगर देखा जाए जो लास्ट वेरिएंट है 12GB रैम 256GB स्टोरेज, उसकी जगह पर 12GB रैम 512GB स्टोरेज भी हो सकता था अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो, क्योंकि जो 8GB रैम और 256GB स्टोरेज है प्लस जो 12GB रैम 256GB स्टोरेज है इसमें सिर्फ 2000 का डिफरेंस हो रहा है, तो इस हिसाब से थोड़ा स्टोरेज को इनहेंस किया जा सकता था, बाकी एज अ कंपनी का रूल है। बाकी देख लो आप में से जो भी वेरिएंट आपको सही लगे, मतलब अंडर ये फ्लेक्सिबल लेवल का फोन आप इसको कंसिडर कर सकते हो, 35,000 से शुरू हो रही है 40,000 में खत्म हो रही है। बाकी अगर रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजन से परचेस करते हो तो आपको कार्ड्स वगैरह में बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, 2-3-4 हज़ार का डिस्काउंट आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हो तो। बाकी आपको वीडियो कैसे लगे नहीं लगे मुझे नीचे कमेंट जरूर करना, साथ ही साथ अगर इस फोन को कोई परचेस करना चाहते हैं उसको स्पेसिफिकेशन वगैरह जानना है तो वीडियो को उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।